सूक्ष्म मृदु विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, छोटा सा था, शॉर्ट में ही कहो उसको, शॉर्ट था, बहुत आप लोगों ने पसंद किया, काफी लोगों ने इसको देखा और लोगों ने पूछा भी अपने अपने अनुमान भी बताए। तो किसी अच्छे काम को पसंद किया ही जाता है, मेरे मन में एक बात आती है, लोग क्यों नहीं कर पाते, इसका कारण है। एक तो ये होता है कि किसी ऐसे ज्ञान को जिसमें कुछ लीक से हटकर बात कही गई हो, लोगों को लगता है कि ये बात सही नहीं होगी और दूसरी बात यह है कि YouTube पर इतना कूड़ा करकट लोगों ने फेंक रखा है और इतना जनता को डरा रखा है, तो वो जनता किसी की बात माने तो कैसे माने। एक तो इन यूट्यूबरों ने इतना गंद मचा रखी है, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। कुछ लोग करके भी दिखाते हैं लेकिन वो पूरी प्रक्रिया करके नहीं दिखाई जाती है। अब आदमी जो होता है वो एकदम उसके मन में आता है कि ये हम कर ले, क्योंकि हमको ये वीडियो में करके दिखाया गया है तो ये हो जाएगा। इस चक्कर में वो बाजार जाता है, इंग्रेडिएंट्स तैयार करता है, पारा हुआ, सिंगरफ हुआ, तमाम चीजें, कभी उसने उसको किया तो है नहीं, करता है फिर असफल होता है। और चूंकि यूट्यूब पर ये वीडियोज लाखों की संख्या में देखे जा रहे हैं तो हर शहर में, हर कस्बे में वो पारे की, सिंगरफ की, इन सब चीजों की, रस कपूर की डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि दुगने दाम होंगे। एक साल पहले पारा 7,500 का था, खुली मार्केट में आज वो 15,500-16,000 में है। कंपनी का पारा, मर्क कंपनी का, उस समय 24,000 रुपए किलो था, आज वो 48,000 रुपए किलो पहुंच गया है। बावजूद इसके किसी को लाभ नहीं हुआ क्योंकि किसी के प्रयोग सफल नहीं हुए। ईयरबड लाए होगा और प्रयोग सफल न होने का कारण वो यही था कि बताने वालों ने पूरे तरीके से उस चीज को बताया नहीं। हो सकता है ऐसा भी हो कि उनको खुद भी जानकारी ना हो और इसलिए मैंने YouTube पर जो कुछ बोला, जो कुछ कहा वो अलग तरीके से कहा, अलग तरीके से इसलिए कहा कि जो हमारे सानिध्य में आएगा वो उस क्रिया को सीखेगा, पारद विज्ञान को करेगा, पर आदमी के जहन से वो YouTube के वीडियोज नहीं उतर रहे।
अब वो हमसे कहते हैं कि उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने ये बताया, उनका वीडियो देख के ये किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कैसे होगा भाई, कैसे होगा, क्यों होगा? तो जब मंदिर में घुसा जाता है तो आपको पता है कि जूते उतार दिए जाते हैं। तो अगर मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले इन जूतों को उतार करके तब मंदिर के अंदर आप घुसिएगा। मंदिर का एक और तरीका होता है कि हमेशा झुक करके ही वहां जाता है, जाया जाता है। अब अगर आप चाहेंगे कि हम जूते पहन करके भी जाएं और सिर भी उठा करके जाएं तो वो आपको अच्छा नहीं होगा, वो आप अपनी खराब छवि छोड़ेंगे और मुझे आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक बात और कि हमारे देश में जिंदा लोगों की पूजा नहीं होती, मुर्दों की पूजा होती है। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका बड़ा सा स्टैचू लगाया जाता है, मंदिर में उसको बैठा दिया जाता है और उस पर फूल मालाएं और फलाने जी ऐसे थे, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपने जीवन में ये किया वो किया। और जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसके मार्ग में अवरोध खड़े करना, उसको भला बुरा कहना, ये जारी रहता है। बजाय इसके कि अगर जीवित अवस्था में जब वो गुरु जीवित और जागृत हो तब उसकी शरणागति हो जाया जाए। पर शरणागति करने वाले कई लाखों में एकाद होते हैं, बाकी तो ज्यादातर लोग तमाशबीन ही होते हैं। कि हाथ में मोबाइल है, नेट पैक भी पड़ा हुआ है, अब कुछ न कुछ तो देखना ही है तो देख लिया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई वो ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, कमेंट कर दिया, गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, गुरुजी की जय हो, गुरुजी को चरण स्पर्श, गुरुजी को सादर प्रणाम, है ना, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप महान व्यक्ति हैं, इस प्रकार के कमेंट्स भेज करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। और थोड़ा सा मन आ गया तो गाली गलौज कर दी, ये विशेष प्रेम लोगों ने दिखाया। तो मैं तो यही कहूंगा, जैसे सागर में अगाध जलराशि होती है, सागर में अरबों गैलन पानी है और उसके भीतर मछली मर जाए, वो भी प्यासी होकर के, तो ये किसका दोष है, मछली का दोष है या उस सागर का दोष है? शायद मेरी जैसी पीड़ा कभी कबीर दास जी के मन में रही होगी अपने अनुयायियों को लेकर के, उनके मन में कोई ना कोई ठेस जरूर रही होगी। तब उन्होंने कहा था कि सागर महु मीन प्यासी, मोकहु आवत हासी, यानी कि सागर के मध्य में मछली प्यासी है और ये सुन करके मुझे हंसी आ रही है।
मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी हम सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करें प्रामाणिक हो, अपनी तरफ से प्रामाणिक सामग्री ही दी जाती है, जाती। इसलिए व्हाट्सएप वगैरह पर बेवजह के फालतू कमेंट्स ना करें। अब कोई किसी किताब की पिक्चर भेज रहा है कि बताइए गुरुदेव ये किताब कैसी है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या मैं इसको खरीद लूं? अरे आपको खरीदना है आप खरीदिए, आप मुझसे कोई विचार क्यों मांग रहे हैं? इसी प्रकार से कुछ लोग फोन करके उल्टे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बार बार मना करने के बावजूद फोन करते हैं। अब इनके साथ हम क्या करें, क्या कहें? भाई अगर आपका चाल चलन अच्छा होता तो मुझे आपको इग्नोर करने की आवश्यकता ही क्यों आन पड़ती? जब आपने दुर्व्यवहार किया था तब आपको पता नहीं था, जब आपने अशोभनीय शब्द बोले थे या लिख के भेजे थे तब आपको पता नहीं था। अब आपके मन में ये भावना आ रही है कि हम इनसे बात करें, कुछ इनसे प्राप्त करें। तो अगर मेरा मन ही नहीं भर रहा है आपसे तो मैं आपसे बात क्यों करना चाहूंगा, और कर भी लूंगा उससे आपका भला क्या हो जाएगा? क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना और क्षमा मांगना ये तो हर व्यक्ति के बस में नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने जो किया, मैंने जो कहा वो सच कहा है और सही कहा है, और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ गुरु जी भले गलत हो जाए, तब मुझे लगता है कि अब आप मुझसे बात ना करें। और अगर मैं बात नहीं करना चाहता तो इसमें फिर क्रोधित होने की क्या जरूरत है? मैं कोई सरकारी नौकर नहीं हूं कि आपको मेरी ही सीट पर से काम होना करना है। ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी उन लोगों के साथ में है जो मेरे शरणागत समर्पित हैं। मेरी ड्यूटी उनके प्रति है, सबके प्रति नहीं। इसलिए नए लोग भी आगे से ध्यान रखें कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि मुझे बुरा लगे और मैं आपको इग्नोर करने लग जाऊं। ऐसा यदि होता है तो उसमें दोष आपका होगा। और यही कहना है कि भाई अगर हमने कुछ कहा है उसका परीक्षण करें, और परीक्षण के लिए आपको मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना होगा। सब कुछ आपके मन से नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगा, धमकी दे करके नहीं होगा, गाली दे करके नहीं होगा। आशा है कि प्रस्तुत वीडियो से आप लोग लाभ उठाएंगे और आगे से उन गलतियों को करने से परहेज करेंगे जो गलतियां हमें और आपको दूर करती हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।